नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के टाउन हॉल के सभागार में कृष्णा फाउंडेशन के द्वारा हमारा एक प्रयास देश को साक्षर बनाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व जिला परिषद के सदस्य जितेश कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कृष्णा फाउंडेशन के चेयरमैन बी के श्रीवास्तव के द्वारा मंच पर मंचासीन सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया शॉल और बुके देकर। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृष्णा फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेश सिंह ने फीता काट कर किया। हालांकि इस मौके पर तमाम लोगों को सम्मानित करने के बाद से मेहंदी रचो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जिले से आई हुई भारी तादाद में बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक मेहंदी भी बनाई। हालांकि सावन का वक्त है और सावन और मेहंदी का जो रिश्ता है काफ़ी गहरा रिश्ता माना जाता है, तो एक अच्छी पहल की जो शुरुआत है वो कृष्णा फाउंडेशन के द्वारा की गई है। एटीएन लाइव के लिए मारूफ के साथ रिशु और चंदन कुमार की रिपोर्ट। गुजरात का जिसे सोमनाथ जो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, उस सोमनाथ पहले ज्योतिर्लिंग को लगभग 17 बार उस ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया। 17 बार मंदिर को तोड़े जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपस्थिति में महादेव सावन का समय है, किस चीज के लिए बैठी गई, आप लोगों से डिस्कस किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया और उस मंदिर के भूमि पूजन के साथ साथ शिलान्यास का भी कार्य हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने किया। तो उस धरती से आने वाले शशि जी ने वहाँ पे डिवाइन पब्लिक स्कूल जो कि एक बड़ा आप कहें देख सकते हैं कैसे लोग मेहंदी का कंपटीशन का आयोजन हुआ है, तो वही यहाँ लड़कियाँ जो है वो मेहंदी लगा रही हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। कंपटीशन हो रहा है मेहंदी कंपटीशन, कितना समय मिला? एक घंटा मतलब कितने लोगों को मेहंदी लगाना है? आप अपना नाम बता दो। नीलू कुमारी। कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, मेहंदी का कंपटीशन चल रहा है। कितना समय रखा गया आप लोगों को? कितना समय दिया गया? 12:14 से 1 बजे तक, कैसा टाइम है? कितना लोगों को मेहंदी लगाना? वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसे तो 1 लोगों को अभी दिया गया। क्या समय रखा गया? अगर मान लीजिए समय में आप अच्छे से डिजाइन उतार दें तो क्या कुछ इसका इनाम रखा है? वो तो अभी हम लोग को नहीं बताया गया, बट आगे डिसाइडेड होगा। कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या क्या प्राइस मतलब रखा गया है? प्राइज रखा गया है सर, प्राइज रखते हैं, अब हम लोग को बताए नहीं है। आप अपना नाम बता दीजिए। निशा कुमारी मेरा नाम है। डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं, अल्लाह करे अच्छा रिजल्ट आए। ये मेहंदी वाला कंपटीशन है जिसमें सारी लड़कियां भाग ली है सब। अब जो अच्छा लगा उन लोग का नंबर अच्छा है तो प्राइज मिलेगा उन लोग का। अब देखिए किसके भाग्य में लिखा है, अल्लाह ही जानते हैं। कितना समय दिया गया है? सिर्फ 1 घंटा दिया गया है। 1 घंटे में कितने लोगों को मेहंदी लगाना? सिर्फ एक ही लड़की को दोनों हाथ में लगाना है। देखिए मेरा मतलब कोशिश करने की जल्दी हो जाए खान दोनों हाथों में। I
आज के जो प्रोग्राम हमारे बीच इस टाउन हॉल के प्रांगण में कृष्णा फाउंडेशन द्वारा शैक्षिक कार्य रखा गया है, तरह तरह के बच्चों को शिक्षा के माहौल में ढालने का प्रयास और हमारा सिवान एक साक्षर हो इसका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। खास करके सिवान जिला में इस टाइप का यह आयोजन पहली बार इतने बृहद रूप में मनाई जा रही है और कराई जा रही है, इसके लिए इस कृष्णा फाउंडेशन के संचालक को मैं अपने तरफ से बहुत बड़ी शुभकामना और बधाई देता हूँ। आप बड़े संस्था के मालिक हैं, आपको अच्छा से पता है स्टूडेंटों की जरूरतें क्या है, क्या लग रहा है कि इससे क्या नौजवानों को सीख मिलेगा इस तरह कार्यक्रम? शिक्षा की दुनिया का अंत नहीं है और यह जो है एक बहुत बड़ा कड़ी है कि शिक्षक के रूप में शैक्षिक कार्य को बढ़ावा देना, चाहे जिस तरह की शिक्षा हो हमारे जीवन शैली में उससे अच्छी मार्ग प्रशस्त करती है। आपके भी माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम पहले कराए जा चुके हैं इसी टाउन हॉल में और आज फिर उसी तरह का एक मंच लगा हुआ है, क्या लग रहा है कि इससे जो छात्र जो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको भी सीख मिलेगा? बिल्कुल सीख मिलेगा। इस तरह का आयोजन से जो हमारे छात्र हैं, छात्राएँ हैं या उनके अभिभावक हैं, सब में उत्साह जागती है। कार्यक्रम को देख करके आदमी को उल्लास होता है, आगे बढ़ने का एक जज्बा जन्म लेता है अपने अंदर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस टाइप की सार्थक प्रयास हर वक्त करना चाहिए। जो भी लोग शैक्षिक कार्य से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं उनका भी योगदान उतना ही है जितना जुड़े हुए लोग हैं। सबका प्रयास होगा, समाज का प्रयास होगा तो शिक्षा में जागृति, साक्षरता में जागृति आएगी, इससे हमारे समाज का, हमारे जिला का, हमारे राज्य का विकास होगा। सर देखा जाए तो बिहार में खेल के प्रति बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए ये तो दुर्भाग्य है, जिस तरह से पूरे विश्व में शिक्षा मंत्रालय नहीं होता है, ये सोचने की बात है। आगे आपके बिहार में हो या भारत सरकार में हो या पूरे विश्व में जहाँ भी सरकारें चलती है उसमें शिक्षा मंत्रालय होता ही नहीं है। कहीं भी आप देखिएगा शिक्षा मंत्री का बोर्ड नहीं लगा रहता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो उसमें खेल भी आया का उतना ही योगदान है जितना बाकी शिक्षा की योगदान है, समाज को अच्छे बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे बिहार में शिक्षा के प्रति उतना जागरूक हमारी सरकार नहीं है। आज के डेट में आप जहां स्थानीय टाउन हॉल में प्रांगण में उपस्थित हैं, सिवान में एक दिन हुआ करता था कि इंडोर स्टेडियम, रविंदर स्टेडियम अपने आप में एक बिहार में गौरव हासिल किया हुआ जगह है। इंडोर स्टेडियम में आप जाकर देखिएगा तो मृत प्राय पड़ा हुआ है, उसके तरफ किसी प्रशासन हो या सरकार हो या हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, सिवान एक ऐसा ज़िला है जहाँ 2 सांसद हुआ करते हैं, 8 विधायक हुआ करते हैं और 4 विधान पार्षद हुआ करते हैं, 4 विधान पार्षद में एक शिक्षक निकाय से जीत कर जाते हैं जिनको शिक्षा के प्रति ही जागरूक करना और कार्य करना है, लेकिन किस भावना में वो लोग व्यस्त हो जाते हैं, किस चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपना कार्य छोड़ देते हैं, अपना फील्ड छोड़ देते हैं, दूसरे कार्य के माध्यम रहते हैं। यदि हमारे यहाँ के प्रतिनिधि नहीं चाहेंगे तो ना शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, ना खेल की दुनिया में बढ़ावा मिलेगा। इंसानियत की जो डेवलप, जो मानव संसाधन कहते हैं उसको, उसमें विकास नहीं होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं यहाँ के सभी नौजवानों से, बड़े बुजुर्गों से, जो लोग हमारे शिक्षा कार्य में जुड़े हुए हैं उनसे और छात्र छात्राओं से मैं आग्रह पूर्वक विनम्र कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी आयोजन होता है, प्रायोजन होता है शिक्षा विकास खेल संबंधी, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और उसका लाभ उठाएं। कृष्णा फाउंडेशन सिवान के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया है सिवान के टाउन हॉल में उसको लेकर, देखिए सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को तहे दिल से शुक्रिया, और आप यहाँ पे आए हैं हमारे कार्यक्रम में। जहाँ तक रहा हमारे कार्यक्रम की बात, तो ये हर साल की भांति इस साल भी हो रही है। ये हमारे वार्षिक समारोह और अपने जिला के जितने सारे बच्चे हैं उन सभी के प्रतिभा को हम लोग ऊपर करने के लिए, उजागर करने के लिए, ताकि वो स्टेट लेवल पे जाएं, वहाँ से नेशनल लेवल पे खेलें, हमारे देश को प्रेजेंट करें, इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं। और कार्यक्रम के तहत हम लोग उस बच्चे को ऊपर तक उठाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो सरकार इसको लेकर उतना जागरूक दिखाई नहीं देती है बच्चों का खेल के माध्यम से, लेकिन आप लोग हर साल इस तरह के कार्यक्रम करके कई
ऐसे खिलाड़ियों को आप लोगों ने ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो क्या लगा सरकार को भी ऐसा पहल करना चाहिए था कि नहीं? देखिए, सरकार इस पे कार्यक्रम बहुत सारा करती है, लेकिन उस कार्यक्रम की जो प्रसार होनी चाहिए वो प्रसारण सही तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चे हमारे छूट जाते हैं। और हमें लगता है कि इसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। आप लोग अगर चाहेंगे तो हमारे देश यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो देश लेवल पे नेशनल लेवल पे अच्छा करेंगे। देखिए, इसमें जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि ये हमारा मेन मोटिव ही है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, हर व्यक्ति को एजुकेशन में एजुकेटेड करना, उसको एजुकेशन देना, ये हमारा मेन मोटिव है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं उनको बहुत सारा ट्रेड, जैसे कंप्यूटर के बहुत सारी ट्रेड चलाई जाती हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, और महिलाओं के लिए जो हमारा जो ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, सिलाई का कोर्स हो गया, ये बिल्कुल फ्री चलाया जाता है, बहुत मिनिमम कॉस्ट भी लिया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जाता है, और ये कोर्सेज फ्री चलाए जाते हैं। इसके लिए हम लोग पूरा काम करते हैं। सर, कोई बच्चा वाला से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई महिला से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, किस प्रकार से कॉन्टैक्ट करें, कहाँ करें? देखिए, हमारा जो ऑफिस है महादेवा में है, आपको VMH स्कूल जो है हाई स्कूल, वहीं पे मेरा क्लासेस भी चलता है, वहाँ पे ऑफिस भी है, तो वहाँ पे अगर कोई भी बच्चा संपर्क करना चाहता है तो हमारे उस महादेवा ऑफिस पे आए हेड ब्रांच पे और संपर्क कर ले। अगर मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर है 7462810112। आज के सर कार्यक्रम में जो विजेता होंगे उनको क्या मिलेगा? बिल्कुल, आज के जो हमारे कार्यक्रम में विजेता हैं, उस कार्यक्रम के विजेता को हम लोग अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पुरस्कार रखे हुए हैं, और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग कैश प्राइज़ भी देने वाले हैं, ताकि वो कैश प्राइज़ के माध्यम से अपने कार्य में, यानी अगर वो गेम में आगे आता है, पेंटिंग में आगे आती है, मेहंदी में आगे आती है, तो उस मेहंदी को और आगे बढ़ाए, वो हमारा नाम रोशन करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सर, इस खेल जो भी खेल का आयोजन आप लोगों ने किया है, क्या इस खेल के माध्यम से बड़े ऊंचाइयों तक जा सकते हैं छात्र? बिल्कुल, हम लोग प्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ इसमें एजुकेशन के सभी तमाम गणमान्य जो है कि शिक्षक आए हुए हैं, आज के मुख्य अतिथि हमारे जीवन भैया हैं, नेताजी हैं, वो सभी लोग आए हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए, आगे बढ़े। चलिए, जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो छात्र हैं, जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो इस चीज़ में रुचि रखना चाहते हैं हमारे ज़िला में, वो सभी बच्चे हमारे से संपर्क बनाएं, हमारे क्लासेस में आएं, उनकी जिस प्रकार से हेल्प हो सकेगी उस प्रकार से हम लोग हेल्प करेंगे। और इस कार्यक्रम के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमें बहुत सहयोग दिए हैं, वो स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान, जो कि हेड ब्रांच वैशाली है, उन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया है। साथ ही साथ हमारे जो स्पॉन्सरशिप में है, स्टार होपस डांस एकेडमी है, और स्पीड अप क्लासेस जो हैं, ये बहुत सारा सपोर्ट किया है, जिसके बदौलत हम लोग ये कार्यक्रम